असलकुम मती जान एम जे टी वी इस्लामाबाद कोर्ट में पी टी आई के रहन फवाद चौधरी की एक रेट दरख्वास के ज़रिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन निसार दुरानी की तैनाती को चैलेंज किया है इस बुनियाद पर कि निसार दुरानी जब रुकन इलेक्शन कमीशन बनाए गए तो वो सिंध में एक कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे और उन्होंने अपना अहदा छोड़ा नहीं था मगर कुछ देर पहले ही चीफ जस्टिस अतह मरल ने एक मख्तसर समात के बाद फवाद चौधरी पी टी आई के जो रानु हैं उनकी तरफ से दायर करदा दरख्वास खारिज कर दी है मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अबूजर सलमान जो के कि के जार के वकील हैं एडवोकेट अबूजर सलमान साहब ये जो दरख्वास आपने दायर की थी चीफ जस्टिस ने बारहाँ आपसे कहा कि ये एक आइनी अहदा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिट जरिस्टिक्शन में भी आइन के तहत ही अपने अख्तियार इस्तेमाल कर सकती है और अदालत जो है आइनी इदारों के मामलों में मुदाखलत नहीं करेगी तो बुनियादी तौर पर आप चाहते क्या थे क्या यह हकीकत नहीं है कि आइन के तहत इलेक्शन कमीशन के रुकन को सिर्फ उसी तरह हटाया जा सकता है जुडिशल कौंसिल के ज़रिए जिस तरह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को उसके अहदे से हटाया जाता है मत्यूला साहब इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अगर रिमूवल करना है ऑफिस का किसी जज का या मेंबर का इलेक्शन कमीशन का या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाएगा आइन के तहत लेकिन मेरा केस मिस कॉन्डक्ट का नहीं है रिमूवल तब होता है आ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब मिस कॉन्डक्ट कमिट होता है आपका आफ्टर अपॉइंटमेंट लेकिन अगर आपकी अपॉइंटमेंट ही शुरू से ही फ्रॉम द वेरी बेसिस या उसका एडफिस जो है दैट इज़ इलीगल तो फिर रेट ऑफ मेरी मेरा आर्गोमेंट ये है रेट ऑफ को जो है वो मेनटेनेबल होती है और तो उसमें आप अपॉइंटमेंट चैलेंज कर सकते हैं आपने शुरू में बता दिया कि आर्टिकल टू जो है वो बड़ा क्लियरली कहता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट राइट टू प्रॉफिटेशन जब आपके हो आप नहीं रख सकते वन यू आर मेम्बर of the uh, Election Commission of Pakistan. और ये आ, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कह चुकी है मैंने कोर्ट में भी बताई थी जमाली साहब की जजमेंट है जाज़ अफजल खान साहब उनके साथ बैठे हुए थे इस केस में 2013 की सुप्रीम कोर्ट की वो कहती है कि जो 216 सौ सोलह हैं वो क्वालिफिकेशन बताता है जिस तरह आर्टिकल 62 बताता है मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली की क्वालिफिकेशन तो अगर आप उन क्वालिफिकेशन से पूरा नहीं उतरते एट द पॉइंट ऑफ योर अपॉइंटमेंट तो मेरा आर्गूमेंट ये है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर नॉट क्वालिफाइड टू बिकम मेमर ऑफ द ई सी पी और इफ़ यू नॉट क्वालिफाइड टू बिकम मेबर ऑफ़ द ई सी पी दैन आप

जिसमें उनको तीन साल की एक्सटेंशन प्रोवाइड की गई है 2021 दिसंबर में और उससे पीछे तीन साल वो साथ ये भी कह रहे हैं कि ही वॉज प्रिंसिपल ऑफ द लॉ कॉलेज तो दैट ऑटोमेटिकली एक एडमिटेड फैक्ट है कि ही वॉज सर्विंग एज अ प्रिंसिपल ऑफ द लॉ कॉलेज वो अपने प्रोफाइल के हवाले से कह रहे हैं या उस पीरियड के हवाले नहीं, से नहीं के? वो उस वक्त ही ही वो सर्विंग एज प्रिंसिपल ऑफ लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी इसका क्या सबूत है आ, वो मैंने उनकी एक्सटेंशन सैलरी स्लिप है कोई बैंक में ट्रांजैक्शन है तनख्वा ले रहे हैं वो, पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं कोई और यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन है वो लगाया हुआ है मैंने की इनकी तीन साल की एक्सटेंशन हो रही है इस 2021 दिसंबर में और उससे पहले भी वो तीन साल सर्व कर रहे थे नहीं तो यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन है वो किन तारीखों में उनको बतौर प्रिंसिपल लॉ कॉलेज तोसी दे रहा है इकतीस दिसंबर दो हजार इक्कीस को तीन साल की एक्सटेंशन दे रहा है और उससे पहले साथ ही तीन साल पहले वो सर्व कर रहे थे तो वो के पीरियड कवर हो जाता है जब वो मेंबर पॉइंट होते पी के तो मेरा केस ये था कि वो सर्विंग एज अ प्रिंसिपल नॉट क्वालिफाबर ऑफी पी सिंपल एज दैट अच्छा पहले तीन साल जो है आपको इसका पता नहीं चला

होने के बाद करते ये हरकत लेकिन अगर आपने अपॉइंट होने से पहले आप क्वालिफाइड ही नहीं थी तो मेरा केस ये हाई कोर्ट एक आनी इधारे के मामला में तो मुदाखलत नहीं कर सकती वरना तो कल हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजों की तैनाती भी रेट दर खादों के जरिए चैलेंज हो जाएगी देखिए मैं एक आर्गूमेंट आपको इन जज के जो है जब तैनाती की गई थी तो ये जज क्वालिफाइड नहीं थे तो इस तरह तो फिर एक नई रस्म पड़ जाएगी क्वालिफिकेशन के हवाले से रिट दरख्वास्तें आना शुरू हो जाएंगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की तैनाती के एक, एक, एक जज है हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जिस दिन वो पॉइंट हुए नॉट क्वालिफाइड टू मेंबर ये जज तो उसकी अपॉइंटमेंट भी रेट ऑफ़ में चैलेंज हो सकती है अच्छा अच्छा हाई कोर्ट के के मेरे मेरी नज़र अच्छा, मुताबिक अगर उस दिन वो क्वालिफाइड नहीं थे फॉर सम रीजन अगर नहीं थे आप तो उनकी अपॉइंटमेंट जी मेरा यही केस है जी उस दिन वो क्वालिफाइड नहीं था तो मेरी नजर में हाईकोर्ट एंटरटेन कर सकते हैं ऐसे पिटिशन अभी किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज का अगर डिग्री जाली सामने आ गई या बर्थ सर्टिफिकेट गलत साबित हो गया तो वो बड़ा हाँ, कुछ हो सकता है तो वो हाई कोर्ट उन्हें फारक कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के जज को भी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कह सकती है अच्छा अब देखें वेरी अपॉइंटमेंट अगर उस दिन इलीगल है तो 1843 में आप सुप्रीम कोर्ट में ही कर सकते हैं मेरे ख्याल से वन नाइनटी में हाई कोर्ट में कर सकते हैं अगर देखें चार क्वालिफिकेशन एग्जांपल दे रहा रहे हाई कोर्ट के जज बने आप अगर फॉर एग्जांपल आपको लॉ की डिग्री चाहिए थी आपके की नहीं और अगर नहीं थी तो आप नहीं बन सकते तो आपकी में में हो सकती है, है, कि नसार दुरानी इनका है। जी जी। तो फवाद चौधरी साहब को पहले तीन साल इसका वाकई नहीं पता चला कि ये प्रिंसिपल भी रहे या अचानक पता चला उनको ये मुझे नहीं पता आपके आपके भी दोस्त लेकिन मेरे पास जो केस आया है मैंने तो वो बना दिया अब आगे आईसीए फाइल करूंगा तो क्या आप जुडिशल काउंसिल में भी ये कंप्लेंट दायर करेंगे वैसे के, इनके इसमें तो फैसल, फैसल वाडा ने की भी है लेकिन मेरी नज़र में वो मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि अपॉइंटमेंट आपने चैलेंज किया है जिस दिन अगर वो अपॉइंट हुआ वो, वो qualified तो आपकी रिट बनती है अच्छा आप ये, ये, ये कह रहे हैं कि आपके एक और पीटीआई के ने ये दरख्वास्त ऑलरेडी जुडिशल कमीशन में दी हुई है और ये मामला जुडिशियल बिल्कुल फैसल साहब ने दायर की हुई है और ये मामला शायद ऑलरेडी कमीशन के सामने बहुत शुक्रिया एडवोकेट अबूजर सलमान जो की पी टी आई के रहनुमा फवाद चौधरी के वकील है कुछ देर पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की उस रिट दरख्वास को खारिज कर दिया है इब्तदाई और मख्तसर समात के बाद जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सिंध से ताल्लुक रखने वाले जो मेम्बर हैं निसार दुरानी उनकी तैनाती को चैलेंज किया था चीफ जस्टिस अतः मनल्ला ने यह वाजे किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट जो है आइनी इदारों के मामल में मुदाखलत नहीं करेगी आइन के अंदर वाजह तौर पर यह लिखा है कि इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है वो हवाला दे रहे थे आयन के आर्टिकल दो सौ नौ का जिसके तहत जुडिशल काउंसिल जो है वो जजों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को मिसकंडक्ट की बुनियाद पर हटा सकती हैं और एक बार जब एक आइनी तैनाती हो जाए तो हाई कोर्ट के पास रिट जोरिस्ट्रिक्शन में ये अख्तियार नहीं है कि वो किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर रुकन इलेक्शन कमीशन को उसके अहदे से किसी भी वजह से हटा सके तो कुछ देर पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फ़ैसला आया है और एडवोकेट अबूज सलमान से चीफ़ जस्टिस ने यह पूछा कि क्या वो अपनी दरख्वास्त को मजीद प्रेस करते हैं इस पर इसरार करते हैं या वापस लेंगे जिस पे फवाद चौधरी के वकील ने कहा कि वो ये दरख्वास्त को प्रेस करेंगे वापस नहीं लेंगे जिसके फोराम बाद चीफ जस्टिस अतम्ला ने मुख्तर हुक्म सुनाते हुए दरख्वास खारिज कर दी है अब कानूनी तौर पर फवाद चौधरी के पास ये हक हासिल है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही दो जजों के सामने इंट्रा कोर्ट अपील लगाए और अगर दो जजों ने भी उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया तो फिर ये अपील में सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं मतुल्ला जान एम जे टी वी से इतना ही इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज।